जय महाकाल मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, और जो लोग नए हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप लोगों को एक बंगाली पावरफुल और स्वयं सिद्ध मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र सभी प्रकार के साधना में आपकी रक्षा करेगा। इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर आप खुद के शरीर में पानी छिड़क देते हो, 5 बार मंत्र पढ़ के अपने शरीर में छींटा मार देते हो, तो इससे आपका शरीर का प्रोटेक्शन होगा। अगर आप इस मंत्र को दूध में या पानी में पढ़कर रिंगन बना दोगे तो ये रिंगन का काम करेगा। उसके अंदर भूत प्रेत कोई भी शक्ति वास नहीं कर पाएगी उसके, या प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप दूध, गंगा जल, ठीक है, और थोड़ा सा काला नमक, ये 3 चीज़ मिलाकर मंत्र पढ़ के अगर उसको अपने घर के चारों ओर ऐसा गोल रेखा बना देंगे तो ये आपका घर का प्रोटेक्शन बन जाएगा, ठीक है, सुरक्षा घेरा बन जाएंगे आपके घर को। तो आपके घर के अंदर किसी भी तरह का भूत प्रेत, कोई भी जादू टोना, कोई भी तांत्रिक की कोई भी विद्या आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा और एक है, अगर मान लो आपका घर ऐसा है कि जिसके चारों ओर आप घूम नहीं सकते हो, तो ऐसे स्थिति में आप एक तांबे के लोटे में पानी लें, उसमें गुलाब का इत्र डालें और उसको अच्छे से घोल के इस मंत्र से 5 बार अभिमंत्रित करके घर के हर रूम में छींटा मार दे। जहाँ जहाँ आप पानी मार सकते वहाँ तक पानी मार दे, तो आप देखेंगे उतने एरिया में, उतने जगह में पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और ये आपकी 10 दिशा बांध देता है। इस बंधन के अंदर सिर्फ देवता ही प्रवेश कर पाएंगे। अगर आपके घर के कोई देवता है तो ही प्रवेश कर पाएंगे। और ऐसे देवता जो ऐसे किसी मंत्र से किसी देवताओं को आपका नुकसान करने के लिए भेजा गया हो, तो अगर वो नुकसान के हिसाब से अगर आपके घर में आ रहे हैं तो रिंगन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्शन करने वाले देवता है, इस मंत्र में जो देवताओं के नाम है, वो देवता ऐसे देवताओं को जो आपका बुरा सोच के आना चाहते हैं, उनको प्रवेश नहीं करने देंगे आपके घर के अंदर। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र। आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई 108 बार जप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मंत्र अच्छे से याद होना। क्योंकि देखो ये बंगाली मंत्र है, भाषा का उच्चारण गलत होगा मंत्र काम नहीं करेगा। मैंने जैसा मंत्र है सटीक वैसा ही लिखा है। अगर आप सेम टू सेम मंत्र बराबर पढ़ लोगे और सेम टू सेम याद कर लोगे तो ये मंत्र काम करेगा। आप इसको सबसे पहले कंठस्थ करें, क्योंकि ये मंत्र हर साधना में आपके काम आएगा। भूत साधना हो, प्रेत साधना हो, जीन साधना हो, अप्सरा साधना हो, चाहे कैसी भी साधना हो, ये मंत्र आपके काम आएगा, वो जाने दो। अब मान लो अगर आप कभी शमशान में अगर अकेले गुजर रहे हो, या कोई ऐसी जगह जहां आपको लगता कि कोई भूत प्रेत हो ऐसा आभास हो रहा है, वैसे समय में इस मंत्र को 5 बार पढ़कर अगर पानी हो तो पानी छींटा मार ले अपने आंग पे। अगर पानी ना मिले तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जैसा मंत्र ख़त्म होगा अपने छाती के ऊपर फूंक मारे, ऐसा 5 बार करे। ऐसा करने से कोई भी भूत प्रेत, दुनिया की कोई भी ताकत आपके शरीर का एक बाल तक नहीं हिला सकती। आपका नुकसान पहुंचाना तो छोड़ दो, आपके शरीर का एक बाल भी नहीं हिला सकती। ये इतना प्रोटेक्शन करने वाला मंत्र है। सिर्फ आपके ऊपर अगर कोई वार कर सकता है तो वो आपका गुरु। आपके गुरु के अलावा आप पे कोई दूसरा वार नहीं कर पाएगा, ये आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। भगवान भी आप पे ऊपर वार नहीं कर पाएंगे। ये इतना पावरफुल बंगाली मंत्र है और बहुत प्रचलित मंत्र है, जो बंगाल के जितने भी सिद्ध अगर तांत्रिक है तो लगभग उनके पास ये मंत्र मिल जाता है। मित्रों, जो तांत्रिक है, तांत्रिक कैसे रहते हैं आपको मालूम है? हर तांत्रिक अपना 24 घंटे सुरक्षा करके रखता है, और ये वही मंत्र है। मैं बंगाली तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ। बंगाली जितने तांत्रिक है 24 घंटा अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि बंगाल में बाण मारने की विद्या बहुत प्रचलित है और कभी भी बाण मार दिया जाता है। तो ऐसे समय में तांत्रिक को बाण लग सकता है करके वो लोग 24 घंटे अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा कैसे करते हैं? अभी जैसे मान लो जब
जब कोई भी साधक बिस्तर में है, सोया है और उसकी सुबह नींद खुल गई, तो वो पहले बिस्तर से उठेगा नहीं, पहले मंत्र पढ़ेगा और 5 बार अपने छाती पे फूंक मारेगा, फिर धरती को प्रणाम करके ही उठेगा। उसके बाद में बिस्तर पे जब शाम में सोने जाएगा, तब फिर ठीक उसी तरह लेट कर अपने ऊपर 5 बार ये मंत्र छाती पे फूंक मारेगा, तो उसका रात भर की सुरक्षा होती है। ये मंत्र पूरा आपको, जब तक आप बिस्तर पे नहीं जाएंगे सोने के लिए, तब तक प्रोटेक्शन करेगा उठने के बाद। और जब आप उठने वाले होंगे तो उससे पहले एक बार मंत्र मार लोगे, तो ये जब तक आप सोने नहीं जाओगे तब तक फिर प्रोटेक्शन करेगा। ये इस तरह का बंगाली पावरफुल मंत्र है। और आप जो भी साधना करो, साधना करने से पहले इससे अपने आप को, स्वयं को भी आप अभिमंत्रित कर ले, सुरक्षा घेरा भी खुद का बना ले। समझ रहे आप बात को? सुरक्षा घेरा भी बना ले या फिर खुद के छाती पे भी आप फूंक मारे। वैसे सुरक्षा घेरा मैं इस मंत्र को करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए देता हूँ, यानी खुद के ऊपर फूंक मारे। और रिंगन बनाने के लिए आप हमेशा लक्ष्मण रेखा का उपयोग करें। मेरे वीडियो में लक्ष्मण रेखा मेरे इसमें है चैनल पे, आप जाके ले सकते हो। तो रिंगन के लिए लक्ष्मण रेखा का उपयोग करें। अगर आपके पास लक्ष्मण रेखा ना हो या याद ना हो तो इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय माता। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इस मंत्र को कंठस्थ करें या याद करेंगे, तो इसे आप सोफे पे या पलंग पे लेटकर या बैठकर इस मंत्र को याद नहीं करेंगे। आपको इसे याद करना है नीचे ज़मीन पर बैठकर, या जो पूजा का जो आसन होता है, साधना का जो आसन होता है, उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ही इसे याद करेंगे या कंठस्थ करेंगे। याद हो जाएगा जब आपका पूरी तरह, तब आप सुरक्षा के लिए इसे बिस्तर पे लेट के अपने ऊपर उपयोग कर सकते हैं, उठने से पहले सुरक्षा के लिए अपने ऊपर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कंठस्थ कर रहे होंगे तब इसे याद ना करें, नहीं तो इसका परिणाम गलत होगा। आपको चक्कर आ सकती है, आपके छाती भारी हो सकती है, आपको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसे आपको नुकसान हो सकता है, उसके जवाबदार आप होंगे।